अब बात गुरु शिष्य के रिश्ते की, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वयोवृद्ध गांधीवादी डॉक्टर एस एन सुब्बा राव की जब मुलाकात हुई तो कुछ ऐसा ही लगा, मानो कोई शिष्य अपने गुरु से मिल रहा है। जब गहलोत मुंबई दौरे पर थे तभी उन्हें पता चला कि सुब्बा राव की तबीयत नासाज है। वो तुरंत बेंगलुरु अस्पताल पहुंचे और उनकी कुशलक्षेम पूछी। छप्पन साल पहले स्कूली विद्यार्थी के रूप में जब अशोक गहलोत जोधपुर में गांधीवादी विचारक डॉक्टर एस एन सुब्बा राव के संपर्क में आए तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि रिश्तों की ये टोर यहां तक खींचती चली आएगी। तब अशोक गहलोत 12 साल के थे, अब गहलोत 68 साल के हो गए हैं और तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान उनके हाथों में फिर से है। तो सुब्बा राव 92 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। रविवार दोपहर को मुंबई में जब गहलोत को पता लगा कि भाई जी की तबीयत नासाज है तो वो जयपुर आने के बजाय तुरंत बेंगलुरु पहुंच गए। बेंगलुरु अस्पताल तक कार में 41 किलोमीटर की दूरी तय करके रात को सीएम गहलोत पहुंचे। जब गुरु से मिला शिष्य, मैं आपको जयपुर के लिए लेने आया हूं। अस्पताल में लेटे हुए ही भाई जी ने मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ लिया और ये कहते हुए भावुक हो गए कि मुख्यमंत्री इतनी दूर से मिलने आए हैं। एक घंटे से अधिक समय तक चली इस भावुक मुलाकात को मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने शब्दों में बयां किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने लिखा, वयोवृद्ध गांधीवादी भाई जी डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जी के चोटिल होने की जानकारी मिलते ही बेंगलुरु में अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात की, उनकी कुशलक्षेम जानी और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। भाई जी के साथ काफी समय बिताया और उनको आग्रह किया कि आप जल्दी स्वस्थ होकर राजस्थान आए और वहीं रहकर प्रदेश में युवाओं को जागरूक करने की मुहिम चलाते रहें। अब आपकी आयु भी 92 वर्ष की हो गई है और मैं चाहता हूं कि आपका सानिध्य राजस्थान में हम सभी को ज्यादा मिले। आपके शिविरों में आकर मुझे बेहद सुकून महसूस होता रहा और युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है। आपके शिविर लगवाने में हम सहयोग करेंगे, प्रबंधन भी करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि भाई जी स्वस्थ होकर जयपुर में आकर रहें। अपने फेसबुक पर मुलाकात के बारे में मुख्यमंत्री ने आगे लिखा, मैंने भाई जी को कहा कि आप विदेशों में भी जाते हैं, वहां पर नई पीढ़ी को देश के बारे में बताते हैं, यहाँ के संस्कार संस्कृति अनेकता में एकता का संदेश उन तक पहुँचाते हैं। ये कार्य जयपुर में अपने आश्रम में रहकर करते रहें। आज के समय में इसकी बहुत आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि हम सभी ने पिछले वर्ष फरवरी में उनके 91वें जन्म दिवस पर जयपुर में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया, जिसमें पूरे समय मुझे साथ रहने का सौभाग्य मिला। जैसे ही मैंने कहा कि मैं आपको जयपुर के लिए लेने आया हूँ, भाई जी काफी इमोशनल हो गए, अस्पताल में लेटे हुए मेरा हाथ पकड़कर बातें करते रहे और मैं इतनी दूर से वहां उनसे मिलने पहुंचा, ये बात कहते हुए काफी भावुक हो गए। भाई जी के कई प्रेरणा गीत आज भी सीएम गहलोत के मोबाइल की मेमोरी में हैं। अस्पताल में भी मुलाकात के दरमियान तुरंत अपना मोबाइल निकाला और भाई जी के गाए हुए अनेक गीतों की कुछ पंक्तियों को प्ले किया। अपने ही गीतों को मुख्यमंत्री के मोबाइल में सुनकर भाई जी काफी खुश हुए, भावुक हुए और वहां मौजूद डॉक्टर्स अन्य लोग भी काफी प्रभावित हुए। 92 वर्षीय भाई जी 69 साल से देश के युवाओं से जुड़े हुए हैं, लगातार शिविर लगा रहे हैं। 6 दशक से ज्यादा समय से शिविर लगाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई जी गांधीवादी विचारक और प्रेरक देश की पूंजी हैं। मैं पुनः ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। ये मुलाकात भले ही कुछ मिनटों की रही हो, लेकिन छोटी सी ये मुलाकात बड़ा संदेश दे गई। खासकर रिश्ते निभाना हो तो कोई अशोक गहलोत से सीखे। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।